गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो क्लास 6 चैप्टर 3 लेक्चर 13। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 13 में टॉपिक देखेंगे मेथड्स ऑफ फूड क्लीनिंग। तो यह जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ फूड क्लीनिंग, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो हम लोग फूड लेते हैं उसको बनाने से पहले, किचन में जाने से पहले उसको हम लोग साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसका जो मेथड होता है उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लीनिंग ऑफ आवर फूड, हमारा जो भोजन है उसको क्लीनिंग करने का जो मेथड है वह डिफरेंट है, अलग अलग तरह के मेथड है, उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। जैसे अब देखेंगे वन बाय वन स्टेप मेथड्स देखेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है विनोइंग है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ फाइन्स। मतलब कि विनोइंग जो होता है इसका मतलब होता है ओसाना। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, ओसाना कहेंगे। मतलब कि यह एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेटिंग का, जो क्या करता है हस्क को, मतलब भूसा को ग्रेन से, ग्रेन मतलब अनाज होता है, अनाज से जो उसमें भूसा होता है, हस्क होता है, उसको अलग करता है। किसके मदद से? तो एयर के मदद से, विंड के मदद से हम इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें करते क्या है, तो इसमें फार्मर्स जो होते हैं वह अपने फसल को जब लाते हैं और फसल को जब वह अलग करते हैं, क्रॉप से जब अलग करते हैं, अलग करने के बाद उसको किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जिसमें रखकर उसको ऊपर से नीचे के आते हैं और फैन को स्टार्ट कर देते हैं, तो फैन से जो एयर आता है, एयर के द्वारा वह उसमें जो हस्क होता है वह क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, मतलब ओसाना करते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, फसल जो फूड होता है, फूड से मतलब यानी ग्रेन्स जो होता है, ग्रेन से हस्क को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे तो हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है छूना, मतलब हाथों के द्वारा क्या करना, जो उसमें अनडिजरेबल मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, उसको अलग करना, अनवांटेड मटेरियल्स को अलग करना ग्रेन से। हैंड पिकिंग इज यूजुअली डन टू क्लीन फूड ऑफ अनडिजरेबल सब्सटेंस सच एज स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम द ग्रेन। मतलब कि हमारे जो अनाज है, ग्रेन्स है, ग्रेन्स में जो स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन जो होता है, स्टोन का छोटा छोटा जो पीस होता है डिफरेंट साइज का, उसको हम हाथ के द्वारा छून कर जब अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। यह प्रोसेस जो होता है जनरली हमारे घर पे यूज होता है, कम जो होता है, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में जब क्या होता है, ग्रेन्स होता है, तो उसको हम हैंड पिकिंग के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे आप अपने घर में देखते होइएगा कि आपकी माँ जब खाना बनाने जाती है तो चावल को हैंड पिकिंग करती है, मतलब कि चावल में जो अनडिजरेबल सब्सटेंस है या स्मॉल स्मॉल स्टोन पीसेस जो होता है उसको वह अलग करने का काम करती है हाथ के द्वारा। तो इस मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। यह भी एक क्या है, फूड क्लीनिंग का मेथड है। अब नेक्स्ट मेथड के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड में सीविंग। सीविंग जो होता है, सीविंग द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज यूज टू द क्लीन द फूड मटेरियल्स फ्रॉम द इम्पोर्टेंस विच डीपर इन साइज फ्रॉम द फूड कंपोनेंट्स बाई दिस मेथड्स। मतलब इस मेथड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग साइज का जो कंपोनेंट्स होता है, मतलब अशुद्धियाँ जो होता है हमारे ग्रेन्स में, फूड्स में, उसको हम लोग अलग करने का काम करते हैं। जैसे इसका मतलब है चलनी जो देखें आप लोग घर पे, चलनी देख लीजिएगा, चलनी से इसको चालते हैं। जैसे फ्लेवर जो होता है, आटा जो होता है, आटा को हम क्या करते हैं, घर पे चालते हुए देखते हैं, अपने घर पे जब हमारे घर पे खाना बनता है तो माँ क्या करती है, अपने को चालती है। तो इस मेथड को हम लोग सीविंग करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, तो फूड ग्रेन्स विच आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड, वह फूड
फूड ग्रेस जो होता है जो क्या करता है इनसॉल्युबल है लिक्विड में कैन बी क्लीन्ड बाय द सेडिमेंटेशन, तो उसको हम लोग सेडिमेंटेशन के द्वारा उसमें का जो अनडिजरेबल मटेरियल होता है या अनवांटेड जो मटेरियल होता है उसको अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए फूड में क्या है मिट्टी मिल चुका है ग्रेन्स में, तो उसको पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल कर जब छोड़ देते हैं मिला के पूरी तरह से, तो देखते हैं कि जो पूरी तरह जब मिलाते हैं तो उसमें जो अनडिजरेबल सब्सटेंस सॉइल है वो मिट्टी में जो वाटर में मिल जाता है डिजोल्व हो जाता है, फिर उसको छान उसको अलग किया देते हैं, हमारा गेहूं जो होता है या अन्य ग्रेन जो होता है वो अलग बच जाता है। इस तरह इस मेथड को हम अपने घर पे देखते हैं और अपनाते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट मेथड ऑफ फूड क्लीनिंग में फिफ्थ नंबर मेथड देख रहे हैं, फिफ्थ में देखेंगे फिल्ट्रेशन। ये पांचवा मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, मतलब हम किसी भी अनडिजरेबल जो सब्सटेंस है अनवांटेड जो सब्सटेंस है वह जब किसी फूड मटेरियल्स में मिल जाता है तो उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जब हम अलग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक मेथड है इसका फूड क्लीनिंग का। एवरी बॉडी इज फैमिलियर विथ टी, आफ्टर प्रिपेयरिंग इट वी सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द लिक्विड बाई यूजिंग ए फिल्टर। जैसे हम देखते हैं प्रत्येक दिन अपने घर में चाय बनता है तो चाय बनने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं छानते हैं सेपरेट करते हैं, चाय का जो पत्ती होता है चाय पत्ती जिसको बोलते हैं उसको हम लोग जो लिक्विड होता है उससे अलग करते हैं इस मेथड के द्वारा, तो फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। सच एज ए वायरलेस स्ट्रेनर, उसमें क्या होता है जैसे कि वायरलेस स्ट्रेनर छन्ना होता है जो किसका होता है वायरलेस का होता है तार का होता है, और ए पीस ऑफ क्लॉथ या कपड़ा के पीस से भी हम उसको छानते हैं। द टी लीव्स आर द रिटेन ऑन द फिल्टर व्हाइल द लिक्विड पासेस थ्रू इट, लिक्विड जो होता है उसे पास कर जाता है टी लीव्स जो होता है ऊपर फिल्टर के ऊपर रुक जाता है इनटू ए कंटेनर, इसमें कंटेनर में जिसमें छानते हैं उसमें वो चला जाता है लिक्विड पदार्थ। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यह जो सेपरेशन का प्रोसेस है तरीका है इसी को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं, मतलब कि छानना कहते हैं या फिल्ट्रेशन पे ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेपरेशन में इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के प्रक्रिया के द्वारा भी हम क्या करते हैं अनडिजरेबल सब्सटेंस जो होता है उसी को हम अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर कंटेनिंग साल्ट। क्या होता है जब हम देखते हैं कि नमक की प्राप्ति जो होता है समुद्र के पानी से होता है, तो उस समुद्र का जो झाग होता है पानी का उसको हम एक बड़े गड्ढे में जमा कर लेते हैं, फिर जब सन के लाइट से वह क्या होता है वाटर वेपर के रूप में वाटर जो होता है वाटर के वेपर में पहुंच जाता है साल्ट नीचे बन जाता है। लेकिन यह बहुत ओल्ड प्रोसेस है, अब नए नए प्रोसेस में हम बहुत सारे इसमें मशीन का उपयोग करते हैं सुखाने के लिए, हीट के द्वारा उसको सुखाते हैं और ज्यादा मात्रा में हम साल्ट की प्राप्ति करते हैं, तो भी एक मेथड है इवेपोरेशन, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं उसको अलग करते हैं। या अब देखेंगे जैसे हम एक लिक्विड बनाते हैं अपने घर पे जिसमें चीनी डालते हैं पानी में चीनी डाल के मिला देते हैं फिर उसको अलग करना है, तो अलग करने का वही तरीका है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा ही हम उसको शुगर को वाटर से क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का एक से जो ज्यादा मेथड एक है एक से अधिक मेथड लगता है किसमें, जैसे साल्ट एंड चाल्क पाउडर जो होता है उसको जब हम अलग करते हैं उसको जब अलग करने का मेथड अपनाएंगे तो उसमें एक प्रोसेस के द्वारा यह अलग नहीं होगा सेपरेट नहीं होगा, इसमें एक से ज्यादा प्रोसेस अपनाते हैं। जैसे फर्स्ट में फिल्टर पेपर से चौक पाउडर को अलग करते हैं, उसके बाद साल्ट को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं उसको इवेपोरेट करते हैं गर्म करते हैं हीट करते हैं तब जाके वह अलग होता है। इसी तरह हम इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं तो हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सीखे क्या, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, तो इसमें हम लोग फिल्ट्रेशन के बारे में जाने हैं,
फिल्ट्रेशन कैसे होगा, हार्वेस्टिंग के बारे में जाने हैं, मतलब कि इसमें वही चीज जाने हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे चल रहा है, मतलब कि यह हमारे जीवन का एक पार्ट है। जैसे विनोइंग के बारे में जाने हैं, वो साना हुआ है, हम अपने घर पे देखते हैं, थ्रेसिंग देखते हैं, सीलिंग देखते हैं, सेडिमेंटेशन देखते हैं, हार्वेस्टिंग देखते हैं, या एग्रीकल्चर जो प्रोसेस होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है, उसको भी हम अपने घर पे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन देखते हैं। तो यह चैप्टर जो हम पढ़े इसमें इसका कंक्लूजन यही हुआ कि हम इसमें बड़े बड़े मशीन का भी प्रयोग करके, छोटे से बड़े इंस्ट्रूमेंट या मशीन का प्रयोग करके हम इस प्रोसेस को, बहुत सारे प्रोसेस को पूरा करते हैं, या बहुत सारा ऐसे प्रोसेस है जिसको हम हाथ के द्वारा भी डाउन करते हैं। इस तरह यह चैप्टर 3 खत्म हुआ। अब स्टूडेंट्स है क्या, तो चैप्टर 3 जो है इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आंसर है उसको कीजिएगा, ऐसे हम पीडीएफ के रूप में आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे नेक्स्ट में पीडीएफ के रूप में। अब आप इसको देखिएगा और जहां भी दिक्कत हो उसको आप लोग पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 पढ़ेंगे।